वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगिंग वाइब्स विद अवि। मैं हूँ अवंती, अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा नेल आर्ट। मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आर्टिफिशियल नेल्स कैसे लगा सकते हो आप अपने नेल बेड पे, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ये ब्यूटीफुल नेल आर्ट क्रिएट करने के लिए। बहुत ही इजी वे में आप ये क्रिएट कर सकते हो, लुक बहुत प्यारा इवनिंग पार्टी लुक बन जाएगा आपके नेल्स को, और आपके नेल्स की तरफ सब अट्रैक्ट हो जाएंगे और जरूर आपको पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से कराया है, पर आपने तो बिना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए घर पे किया है ये सब। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डिग इनटू द वीडियो। मैंने ये 100 नेल्स का पैक यूज किया है, इसके साथ ये ग्लू फ्री आया था। मुझे नहीं पता ये ग्लू कितना इफेक्टिव रहेगा कितने दिनों के लिए, तो ये भी रिव्यू मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सारी चीजों का जो जो मैं इस नेल आर्ट ट्यूटोरियल में यूज करने वाली हूँ। हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या लगने वाला है नेल आर्ट करने के लिए। नेल कटर, इसी में फाइलर है इसलिए मैं फाइलर अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपके इसमें फाइलर नहीं होगा तो आपको फाइलर भी लगने वाला है। नेल बफर, आर्टिफिशियल नेल ग्लू, ये नेल ग्लू मिलता है इसी सेट के साथ, सेलो टेप, बिंदी, एनी टू कलर्स ऑफ योर चॉइस नेल पेंट के, ईयरबड और नेल पॉलिश रिमूवर। फर्स्ट स्टेप में आपके अगर एक्सेस नेल है तो हमें नेल्स कट कर लेते हैं। मैंने दोनों हाथ के नेल्स कट कर लिए हैं। अभी मैं मेरे साइज के नेल्स इसमें से निकाल लूंगी, जो भी परफेक्ट साइज होगा वो 10 का सेट पूरा निकाल के फिर हम नेल आर्ट चालू करेंगे। मैंने दोनों तरफ के मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग निकाल लिए हैं नेल्स, अभी इसे ग्लू से हम स्टिक करेंगे। मैं बेड पे अच्छी तरीके से थोड़ा सा ग्लू लेके स्प्रेड कर रही हूँ। अब इस पे मैंने जो नेल लिया है वो चिपका रही हूँ, जेंटली इसे 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, तरह मेरा नेल फिक्स हो जाए। अब मैं बाकी के सारे नेल्स आपको लगा के इसी तरह दिखा देती हूँ। मेरे नेल्स लग चुके हैं, अब इसे मैं फाइलर के हेल्प से शेप दे दूंगी। मुझे इसी तरीके के पॉइंटेड नेल्स चाहिए थे, तो मैंने जो एक्सेस प्लास्टिक था, जो अनइवन नेल था, वो मैंने निकाल दिया फाइलर के हेल्प से। अब हम नेल आर्ट चालू करते हैं। अगर आपको नेल पेंट अच्छे से सेट हो ऐसे लगता है तो आप नेल को बफ जरूर कीजिए, इससे आपका नेल पेंट आपके नेल बेड पे बहुत अच्छे से ग्लॉसी इफेक्ट भी ज्यादा देगा और ज्यादा दिनों के लिए टिका भी रहेगा। मैंने यहाँ पे सारे नेल्स बफ कर लिए, अभी हम नेल पेंट से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इवनिंग लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये आप पार्टीज के लिए या फिर वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा ये नेल आर्ट। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर्स लीजिए और अपने अकॉर्डिंग वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो। मैं ये और इन तीनों नेल पे रेड ब्राइट रेड कलर लगाने वाली हूँ और बीच के नेल पे ब्लैक ग्लिटरी श्रिमरी कलर लगाने वाली हूँ। अभी हमें इसे ड्राई होने देना है अच्छे से और फिर इसके ऊपर सेकेंड कोट लगाना है। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड कोट लगा दिया है अपने हाथ को, अभी हम नेल आर्ट नेल्स को डेकोरेट करना चालू करते हैं।
मैंने यहाँ पे नॉर्मल माथा बिंदी ली है, इसको क्या होगा अगर डायरेक्टली लगाओगे तो ये गिर जाएगी आफ्टर सम टाइम, पर आप इस ग्लू की मदद से इसे बहुत देर तक एटलीस्ट अ वीक फिक्स रख सकते हो, तो मैं वही करने वाली हूँ। हमें इस नेल को हाफ सेलो टेप से कवर करना है। अब इसके हाफ पोर्शन में मैं ये ब्लैक ग्लिटर शिमर यूज करने वाली हूँ। अभी मैं ये इसको ऑलरेडी मैंने डबल कोट कर लिया है, अब टेप निकाल देते हैं। ये ड्राई हो चुका है, उसके बाद मैं टेप खींच रही हूँ। अब इस नेल पे सिमिलरली मैं ऊपर टेप लगाऊंगी, नीचे नहीं ऊपर। इसके भी मैं दो कोट्स लगा रही हूँ ड्राई होने के बाद, और एक कोट लगाऊंगी। एक्सेस बाहर निकला हुआ कुछ होगा, नेल पेन रिमूवर और ईयरबड के मदद से हम उसे क्लीन कर लेते हैं। मैंने दोनों हाथों पे सेम रेप्लिका बना लिया है। होप यू लाइक दिस नेल आर्ट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय।